तो यार जैसे कि मैंने दादा पर दादाओं से सुना है कि गंगा में आके साल भर में एक बार नहाना या कभी भी आप लोग अगर नहा लेते हैं तो जाने अनजाने में जो भूल से पाप हुआ है उसका निवारण हो जाता है, मतलब धुल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अभी हावड़ा में हूँ, ठीक है। और ये हावड़ा ब्रिज जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और ये जो आगे जो आप लोग जगह तो देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोलकाता से आने पर गाड़ी यहीं पे रुकता है और यहाँ 3 नंबर गेट है और ये 3 नंबर गेट से ही आप लोगों को बाहर जाना होता है। और अभी अभी जो है सुबह का नज़ारा है, सुबह का नज़ारा इस तरह से दिखता है। और सच में सुबह जो थोड़ा बहुत भीड़ भी उतना होता नहीं है, जो कि दिन में या शाम को जिस तरह से भीड़ होता है वो सुबह को वाकई बहुत ही कम देखने को मिलता है। और फाइनली अभी अंदर घुसते हैं, अंदर घुस के पूरा फुल ब्लॉग में रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। रेल स्टेशन के अंदर घुसते ही इधर पे टिकट काउंटर है सामने, और आसपास में हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि बैलून भेज रहा है, जो कि 2 रुपये करके बहुत ही बड़ा है, कि एक बच्चा उसमें उड़ जाएगा। तो इस बीच हम लोग थोड़ा, तो यार मेरे पास अभी बहुत ही टाइम है, एक घंटा के करीब करीब टाइम है, तो थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि आप लोगों को गंगा का किनारे दिखा देते हैं। तो ये खुफिया अंदर वाला जो रास्ता है उधर से होकर जा रहे हैं, ये रास्ता शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं यही है वो रास्ता जो गंगा का जो नदी है उसी का आसपास में आपको पहुंचा देता है। और अभी इस रास्ता में लोगों का आना जाना उतना है नहीं, और जैसा कि अभी देख पा रहे हैं पूरा ये फाँका भाई फाँका ही है, और ऐसा है रास्ता। तो यार फाइनली 15 नंबर गेट में हम निकल चुके हैं। अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला रास्ता पूरा हावड़ा का जो नदी है उसी के सामने जाएगा। अब किस तरह से शायद अभी आप लोग इस रास्ते में आए हैं या नहीं आए हैं वो तो नहीं पता, लेकिन इधर का नज़ारा थोड़ा बहुत खाली देखने को मिलता है, जो कि स्टेशन में अभी भीड़ है, और हावड़ा स्टेशन में तो भीड़ एनी टाइम रहता ही रहता है, यहाँ पर थोड़ा कम है। तो यार अभी 5:31 हो रहा है, ठीक है, और मैं गंगा के किनारे पहुंच चुका हूं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हावड़ा ब्रिज कितना मस्त लग रहा है, और इधर से मेरा वाला कोफार होगा, पता नहीं हावड़ा ब्रिज आप लोगों को अच्छा दिखाई देगा देता होगा, लेकिन मैं काला, तो ये वाला सिस्टम है। और हावड़ा ब्रिज में यहाँ से देखने को मिलता है कि उसके ऊपर में से कितना बास फास अंतर जा रहा है, और नीचे एक भी पिलर नहीं है, और पानी का बहाव जो है अभी तेज है, यहाँ तक आया हुआ था अभी घटा है, तो ज्वार भाटा अभी के टाइम में होता है या नहीं होता है वो तो पता नहीं, लेकिन आगे आप लोग जो देख पा रहे हैं वहाँ पे लंच है, बोट से होके उस पार जाने का एक रास्ता भी है, और मतलब कोलकाता जाने का। तो यहाँ पे कोलकाता के अंदर जाने के लिए 3 मार्ग बना हुआ है, 1 हावड़ा ब्रिज से होके जो कि ये वाला जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और अभी जो 1 अंडर वाटर मेट्रो बना है उधर से होके जो यही वाला जो नदी है हुगली नदी या गंगा नदी आप लोग जिसे कह सकते हैं, तो इसके नीचे से होके 1 ट्रेन गुजरा है, जिसे पिछले ब्लॉग में आप लोगों को मैंने दिखाने की कोशिश करा था, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, फर्स्ट एड इंडिया का जो सर्वप्रथम अंडर वाटर मेट्रो बना था तो वो वहीं वाला वीडियो था, और इसी नदी के नीचे से होके गया है। और 1 है जल मार्ग से होके रास्ता, मतलब जलमार्ग से होके आपको कोलकाता पार होना होता है, मतलब कोलकाता अगर आपको जाना है तो कहीं ना कहीं तरह से नीचे से हो या ऊपर से होके या पानी के ऊपर से होके आपको पार होना होता है, नहीं तो इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। लेकिन अभी मार्ग 3 है, पहले 2 था, ये क्रूज से होके आप लोग जा सकते थे, लंच से होके जा सकते थे, या ये हावड़ा ब्रिज पार होके, और उसके अलावा अभी जो बना है 2-3 महीना हो रहा है अंडर वाटर मेट्रो, तो उसमें से अभी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन उसमें सुविधा है, भाड़ा भी उतना है नहीं, 10-20 रुपये लेता है, लेकिन बहुत ही मस्त है। लेकिन यहाँ पे सुबह सुबह गंगा के किनारे इतना मस्त लगता है, मैंने कभी इधर पहले भी आया है और आके बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को सुकून पहुँच जाता है। आप लोग कभी आइएगा तो यहाँ का पानी भी घर लेते जाना, मैंने ऐसे में लेके गया हूँ तो जिसके चलते मैं मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो कहा जाता है कि गंगा का पानी घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों ये जो गंगा का पानी आप लोग देख पा रहे हैं ये हम लोग के इधर पे बहुत दाम है, 150 ml पानी का दाम
₹100 के आसपास ले लेता है। आप लोगों के उधर पे क्या दाम है कमेंट करके बताना। तो यार अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं उस साइड पे एक घाट है मेरे पीछे, ठीक है, आप लोग देखो अच्छा से। तो उधर के सामने इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहाँ पे लोग नहा रहा है और उन लोगों को डिस्टर्ब होना अच्छा बात नहीं है। कौन कैसा कपड़ा पहन के नहाता है तो समझ रहे होंगे आप, मतलब आप लोग समझ ही चुके हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहीं दूर से थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाते हैं, लेकिन अभी सामने जो है कुछ मछली आया हुआ है जो कि आप लोगों को कैमरा में दिखाई दे रहा है, होगा या नहीं होगा वो तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं अगर पूरा सामने चला गया तो मछली भाग जाएगा और साथ में हम भी फिसल सकते हैं। तो ये अभी पानी इधर आया हुआ था, अभी ये घटा है। तो यार जैसे कि मैंने दादा परदादाओं से सुना है कि गंगा में आके साल भर में एक बार नहाना, या कभी भी आप लोग अगर नहा लेते हैं तो जाने अनजाने में जो भूल से पाप हुआ है उसका निवारण हो जाता है, मतलब धुल जाता है। यहाँ पे मछली भाई गजब का देखने को मिल रहा है, लेकिन कैमरा में मेरे हिसाब से जहाँ तक लग रहा है कि कैप्चर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ आसपास में बहुत मछली आया हुआ है। तो यहाँ पे मछली पकड़ता है, गंगा में तो वैसे में मछली पकड़ा जाता ही है, लेकिन यहाँ मछली का भंडार भी लगा होता है। अभी ये जो है साइज में थोड़ा बहुत छोटा है। तो यार आज का ब्लॉग इधर पे ख़त्म करते हैं, अच्छा अगर लगा तो थोड़ा बहुत लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब का बेल आइकन वाले दबा कर रख देना। मैं मछली देखने में मगना हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है।